एंड वेलकम टू माय हेशरी रसोई। आज मैं आपके साथ थोड़ी न्यू और डिफरेंट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वो है बची हुई रोटियों से स्टफ पकौड़े। नॉर्मली हम जब रात को खाना बनाते हैं, कुछ पराठे बच जाते हैं, उस स्टेज पर हम ये पकौड़े बना सकते हैं। ये पकौड़े खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं और मैं इन्हें तवे पर बनाने वाली हूँ, जिससे इसमें ऑयल भी बहुत कम लगेगा। और ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बासी रोटी से टेस्टी स्टफ पकौड़े बनाने के लिए हमें जरूरत होगी ये बासी रोटियों की, और मैंने ये चार रात की बची हुई बासी रोटियां दी हैं। और देखिए हमें किन किन सामानों की और जरूरत होगी। और रोटी के पकौड़े को स्टफ करने के लिए हमें जरूरत होगी ये दो मीडियम साइज के आलू लिए हैं, और आलूओं को मैंने उबाल कर छीला हुआ है, थोड़े से हरी मटर के दाने, एक छोटे साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, और ये तीन बड़े चम्मच मैंने बेसन लिया हुआ है, टेस्ट के हिसाब से नमक आधा छोटा चम्मच से कुछ कम मैंने लाल मिर्चें, थोड़ी सी अजवाइन चौथाई चम्मच खटाई, आधा छोटा चम्मच से कुछ कम हल्दी, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे रिफाइंड ऑयल। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसन को एक बड़े बर्तन में कर लेंगे, सिर्फ एक पिंच नमक, और इसी तरीके से हम बिल्कुल जरा सी इसमें लाल मिर्ची गिर देंगे, और पानी डालकर इसका एक हम जिस तरीके से पकौड़े के लिए बैटर बनाते हैं बिल्कुल वैसा बैटर बनाकर तैयार करेंगे। और पानी आप हमेशा थोड़ा थोड़ा करके डालें, अगर पानी एक साथ डाल देंगे तो लम्स पड़ जाएंगे। और बस अब हम इसे थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट होने रख देंगे और इतने हम बाकी की तैयारी करेंगे। और अब हम पकौड़ों के लिए स्टफिंग तैयार करते हैं। उसके लिए हम ये आलू लेंगे और इसे फोड़ लेंगे, दूसरा आलू भी इसी तरीके से फोड़ लेंगे, और इसमें हम ये सब जो हमने सामान लिया था ये मिला देंगे, जैसे कि ये प्याज। प्याज ऑप्शनल है, अगर आप पसंद नहीं करते या नहीं डालना चाहते तो आप हटा सकते हैं। ये हरी मटर, हरा धनिया और नमक, मिर्च खटाई, और इन सब चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह मिला लेंगे। और बेसन भी हमारा फूल कर तैयार हो गया है। अब हम इसमें ये अजवाइन मिला देंगे और ये हल्दी मिला देंगे, अच्छी तरह मिलाएंगे। और इसी समय हम इसमें एक चम्मच गर्म रिफाइंड डाल देंगे। हमने इसमें कोई बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का यूज नहीं किया है, और बस अच्छी तरह मिला लेंगे। और अब हम रोटी लेंगे, और आप पिज्जा कटर या नाइफ कुछ भी ले सकते हैं, और बस इस तरीके से हम रोटी को कट कर देंगे, एक के ऊपर एक पीस रखेंगे और फिर से कट कर देंगे। और आप देख सकते हैं रोटी हमारी ट्रायंगल में आ गई है, और मैंने इसी तरीके से ये दोनों रोटियां तैयार कर ली हैं। और ये जो हमने स्टफिंग तैयार करी थी, थोड़ा थोड़ा पार्ट ये लेते जाएंगे, और आधी रोटियों के हिस्से पर यानी कि चार हिस्सों पर हम स्टफिंग लगा देंगे, और हल्के हाथ से अच्छे से प्रेस कर देंगे जिससे ये अच्छी तरह इस पर सेट हो जाए। और इसके बाद एक दूसरा टुकड़ा उठाकर हम इसको कवर कर देंगे इस तरीके से, और कवर करने के बाद में भी इस तरीके से एक बार फिर से अच्छे से प्रेस करेंगे। अब रिफाइंड मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, आप चाहें तो इसे सैलो फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं। और बस गैस ऑन करेंगे और उसके ऊपर एक हम पैन रख देंगे, और उसमें थोड़ा सा हम रिफाइंड डाल देंगे, बहुत ज्यादा की इसमें जरूरत नहीं है। और एक एक रोटी का टुकड़ा लेते जाएंगे जो हमने ये तैयार करके रखे थे, ये बेसन वाला बैटर है, इसमें इसे अच्छे से डिप करेंगे। बस इस तरीके से, और इसके ऊपर रख देंगे। और इसी तरीके से मैंने ये चारों रोटी पकौड़ा इससे रख लिए हैं, और थोड़ा सा रिफाइंड हम ऊपर से डाल देंगे, और थोड़ी सी देर बाद हम इसको टर्न कर देंगे, एक बार चेक करेंगे कि एक तरफ से पकौड़ा अच्छे से सिका है या नहीं सिका है। देखिए ये मैंने टर्न कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि इस पे कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरीके से हम एक बार सारे हिला देंगे,
और एक एक करके सबको टर्न करेंगे के लिए। बस इस तरीके से एक बार फिर से घेर देंगे जिससे ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सिख जाए। और देखिए ये हमारे रोटी के एकदम कुरकुरे पकौड़े सिककर तैयार हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर इतना अच्छा कलर आया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप देखिए ये हमारे पकौड़े एकदम दोनों तरफ से बहुत अच्छे सिक गए हैं। और बासी रोटी का आपको ये न्यू वेरिएशन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट के जरिए अपना फीडबैक जरूर दें। ये टेस्टी रोटी स्टफ पकौड़ा बनकर तैयार है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।